जय माता दी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज अपने उसी चैनल बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था इसका पहला लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे। और इसमें जो है आज हम थोड़े टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें स्कोप माइक्रोबायोलॉजी स्कोप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया, इन टॉपिकों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। स्कोप ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मतलब कि हमारे माइक्रोबायोलॉजी है इसका आज के हमारे मतलब क्या स्कोप है इसका, क्या कहाँ यूज़ किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो इसी के बारे में हम जो है इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज मेडिकल, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी है उसका हमारे मेडिकल में कुछ रोल है, जैसे कि एनिमल्स की जो डिसीज़ होती है, बीमारी होती है एनिमल्स की और ह्यूमंस की, उसमें भी इसका मेडिकल का रोल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। और दूसरा है हमारा इम्यूनोलॉजी, इसमें हमारा मतलब स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी प्रोटेक्ट होती है और फ्रॉम पैथोजन के द्वारा, तो इसमें भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ रोल होता है। और कुछ हमारा जैसे एग्रीकल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि इंडस्ट्री में वगैरह में हम जो है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होता है, इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एग्रीकल्चर। एंड नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होता है, जो कि कुछ प्रोडक्ट बनाने में जैसे कि इंडस्ट्रियल में एंटीबॉडीज बनती हैं और वैक्सीन इंजेक्शन अल्कोहल एक्सेट्रा जो प्रोडक्ट बनते हैं इनमें भी हमारा माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होता है। कुछ हमारे फूड प्रोडक्ट बनते हैं जैसे कि इंडस्ट्री में फूड डेयरी प्रोडक्ट माइक्रोबायोलॉजी यूज़ जिसका जिनमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं फूड बनाते समय, जैसे कि चीज़ हो गया, हमारा ब्रेड हो गया, योगर्ट हो गया, बियर हो गया और एक्सेट्रा, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का ऐसे हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होता है, जिनके लिए मतलब माइक्रो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है ज़रूरत पड़ती है, तो वही उसी के बारे में ये स्कोप है इसका छोटा सा माइक्रोबायोलॉजी का। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि छोटे से इस मतलब कल हमने इसमें थोड़ा पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मतलब सेलुलर और एसेलुलर दो प्रकार के हमने बताए थे आपके लिए, तो वही है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारा टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज एसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एसेलुलर का मतलब होता है जिसमें कि सेल प्रेजेंट नहीं होती हैं उसमें, उसे वो हमारा एसेलुलर आता है, जैसे कि दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन विच सेल डज नॉट प्रिपेयर इन प्रॉपरली, ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें कि सेल फुल तरीके से डेवलप प्रिपेयर नहीं हो पाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा वायरस हो गया और इसका जो छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया गया है इसमें दिखाया जा रहा है आपके लिए, इसमें जो है एसेलुलर है, सेल डेवलप नहीं हो पाई हैं बट जो है बैक्टीरिया बन चुका है वायरस, ये वायरस हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट इज इसी में है हमारा दूसरा टॉपिक है जो कि टॉपिक वही है, नेक्स्ट मतलब सेलुलर था अब सेलुलर है, तो सेलुलर के बारे में जैसे कि देखिएगा दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सेल फुली डेवलप, यानी कि ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है सेलुलर में जिसमें कि सेल जो है हमारी फुल तरीके से डेवलप हो जाती है, जैसे कि ये मतलब कोई बैक्टीरिया है तो इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो गया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनकर तैयार हो गई, तो ये हमारा सेलुलर हो गया। और ये सेलुलर भी हमारा टू टाइप्स का होता है, जैसे कि यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स वो होता है दीज सेल, यानी कि दीज सेल इन विच सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस देयर आर फुली डेवलप, यानी कि ये इसमें यूकैरियोट्स में सेल हमारी फुल तरीके से डेवलप हो जाती है, न्यूक्लियस भी डेवलप हो जाता है फुल तरीके से, जैसे कि इसमें स्ट्रक्चर में दिखाया भी गया है, जैसे कि ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। और प्रोकैरियोट्स में ये ऐसा होता है जैसे कि दो सेल इन विच सेल मेम्ब्रेन डेवलप तो हो जाती है प्रोकैरियोट्स में बट न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है फुल तरीके से, जैसे कि सम और कुछ मतलब ऑर्गेनिज्म भी डेवलप नहीं हो पाते हैं इसमें, जैसे कि इसके स्ट्रक्चर में इस तरह से दिखाया गया है, इसमें न्यूक्लियस देखो प्रेजेंट था यूकैरियोट्स में और न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये इसके एग्जांपल हमारे बैक्टीरिया प्रोटोजोआ हो गए प्रोकैरियोट्स के, और यूकैरियोट्स के हमारे एग्जांपल फंगाई हो गया, एलेज हो गया और निमेटोड्स हो गया।
अब ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में क्या है, यानी कि बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो बैक्टीरिया इट इज ए लार्ज फॉर्म ऑफ ग्रुप, यानी कि ये बड़ा ग्रुप है यूनिसेलुलर का, जिसमें कि प्रोकैरियोट्स डू नॉट कंटेन, प्रोकैरियोट्स इसमें नहीं होते हैं, नॉट कंटेन, और न्यूक्लियस भी नहीं होता है, एंड अदर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, और कुछ अदर मेम्ब्रेन जो है सेल की वो भी डेवलप नहीं होती हैं। ये हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बताया गया, बैक्टीरिया है ये। और ये भी हमारा टू टाइप्स का होता है, आर्को बैक्टीरिया जो कि बहुत जिसके नाम जिसका नाम है एंशियंट बैक्टीरिया, जो कि बहुत पुराने ज़माने में था ये, मतलब कि पुराने बहुत पहले की बात है ये, पहले ज़माने में बैक्टीरिया था हमारा ये, और जो यूज़ किया जाता था। और यूवो बैक्टीरिया जो कि हमारे ट्रू बैक्टीरिया, यानी कि आज के वर्तमान समय में ये यू बैक्टीरिया चल रहा है, यू बैक्टीरिया का मतलब रोल चल निभाया जा रहा है, रोल है चल रहा है, ये इसके बारे में बताया गया है। तो यहीं पर हमारा लेक्चर मतलब ख़त्म करते हैं, और आगे डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक, और इससे जो पहले वाले टॉपिक थे वो पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक जहाँ तक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मैं हम आपके साथ रहेंगे। और ये माइक्रोबायोलॉजी है, इस सब्जेक्ट को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।